राम राम भैया, आ गए फिर से एक और ब्लॉग में। आज की ब्लॉग में हम जाने वाले हैं बागेश्वर धाम। तो बागेश्वर धाम का नाम तो सबने सुना हुई है, तो हम अपने पुष्पेंद्र के रिक्शा पे, देखो जो है रिक्शा, ये पुष्पेंद्र के रिक्शा पे जा रहे हैं आज बागेश्वर धाम। और सवारी नीति संगे सवारी इधर नहा रही है पुष्पेंद्र बो बैठू, तो ज़्यादा दूर नहीं देखो, इधर से बस लगभग 1.5-2 किलोमीटर लगभग ऐसी बच्चू है। हमने सोची ब्लॉग चालू कर ला जाए तो मुन्ना भी दिखाओ जाए बागेश्वर धाम के बारे में। तो बस इधर से मेन रोड से हमारे अंदर घुस गया है, मतलब इधर से 5 किलोमीटर अंदर है बागेश्वर धाम। तो इधर से बस जो नहा लें फिर इधर चल रहा अपन अंदर, तो सब चीज़ें दिखाई हैं मंदिर के बारे में, क्या सुखा मंदिर, कैसी क्या जगह जिन्हें देखो नहीं है उन्हें सब चीज़ दिखाई है। तो हमारा नाम है आनंद चतुर्वेदी और हम बनाते हैं बुंदेलखंडी ब्लॉग, बुंदेली भाषा में ब्लॉग बनाते हैं। हम कहा कि बुंदेलखंड के यहाँ तो बुंदेली भाषा में ब्लॉग बनाऊ थे। तो अगर हमारी चैनल पर तुम पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल गलत सब्सक्राइब हो, हमारे चैनल से जुड़ जाओ। तो कहा कि ऐसे हम ब्लॉग बनाऊ रहते हैं और छतरापुर जिला है, हम छतरापुर जिला में रहते हैं, मैं छतरापुर में, तो ज़्यादातर छतरापुर जिला से रिलेटेड ही ब्लॉग बनाऊ थे। तो चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पूरे देखो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करियो। बस सवारी जी नहा लें तो इनके बाद फिर अपन चल रहे हैं अंदर, इधर से लगभग 1.5-2 किलोमीटर बचे हुए बस। तो बस उधर पहुँचने के बाद सब चीज़ें दिखाई हैं मंदिर के बारे में, दर्शन करवाए हैं और बस बने रहो वीडियो के साथ, चल रहे हैं आगे। भैया नहाना है, देखो अभी हुई रेडी बिल्कुल, जो अपने पुष्पेंद्र नहा दिख लें जो है अपने रिक्शा पर पुष्पेंद्र राजपूत। तो बस हम इधर से निकल रहे हैं, सवारी नहा ला, बस 2 मिनट की रास्ता है, उसके बाद सब चीज़ें दिखाई हैं मंदिर के बारे में, पूरा मंदिर घुमाओ जे, बस वीडियो पूरे दिख रहे हैं, लाइक करना ठीक है। तो जो भी फोर व्हीलर से आए तो वो 20 रुपया की जो टिकट कटवाने पड़े ठीक है। बस तरफ सो रहे है, देखो आगे चलते गाइस, ये बहुत ज्यादा हिल रहा था, देखो देखो आई गई बागे से थोड़ी, बस 200 कदम रह गए हमारे, देखो जब बहुत ज्यादा हिल रहा था, हमें तो जमा था वो तो। हम बागेश्वर वाले हैं, बागेश्वर धाम जाएगा भैया, आ गए हैं बागेश्वर धाम। देखो बस नहीं क्यों रिक्शा लगवा दे उस साइड में, उसके बाद चल रहे हैं अपन, सब चीज़ें दिखाइए यहाँ पर, कम पार्क करने पहले करो भैया बस बंद, हमारे साथ पीछे लगा रहा हूँ देखो बताए ये रिक्शा है तो लगा रहा है, देखो जो लग गए थे बस, अब इतने से हम पहले चल रहे हैं बस पहुँच गए, बस सब चीज़ें दिखा रहे थे लाने। भैया देखो जी आ गए हैं बस इधर से, सामने है मंदिर होते, इधर से सब जने प्रसाद वगैरह ले सकते थे और चप्पल वगैरह जूते वगैरह भी होते, प्रसाद जितने से ले उतार सकते थे बढ़िया आराम से। देखो काफ़ी दुकानें मिल जाए, खाना पीना की व्यवस्था भी है थे, और जो बच्चा तलक भी लगा दूँ, लेकिन अब हमें तलक लगवाए नहीं है। तो बस देखो वो है होता झंडा लगे दिखा रहे हैं आगे, देखो भैया कितने नारियल बने देख लो तुम, और इतना लगा था उनको दरबार ई वाले हॉल में लगा था, अंदर कमा लगा था ऐसी ऐसी ऐसी, और ऊपर जाने के लाने, अरे यार तो वापस में आज तो इन्हें ऐसे जाना पड़ रहा यार, नहीं टीम से होटल ना नहीं मैंने जाना अपने जा रहा हूँ, आज आज शनिवार है, आज इतनी भयंकर भीड़ है तो मेरा देख सकते देखो, तो ये लगी है इनमें से ऐसे घूम घाम के ऐसे ऐसे घूमत 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 घूमत, कम से कम अगर तुम इनमें पड़ गए अगर तो जो मान लो तुम्हें 1.5-2 घंटा लग जाने तुम्हें इनमें इनमें पड़ गए अगर तो 1-2 घंटा लग जाता है नहीं, तो इनके बाद फिर इतने से ऐसे ऐसे चढ़ना पड़ा तो ऊपर ऊपर है तो मंदिर। देखो गाइस
मंदिर दिखाओ जो है मुश्किल से लग रहा है। वैसे बहुत ज्यादा भयंकर व्यू है देखो आपको। लक्ष्मी तिवारी किसे चला अपना पीछे दिखा दे दीजिए। ठीक है मंदिर मिल गया अभी वो तो सर पीछे मंदिर दिखा दे बस। ठीक है देखो भैया जो है पीछे से चढ़ के आ गए हैं। बहुत ज्यादा टाइम लग गया और जो है तो मंदिर देखो मेन मंदिर जो है मंदिर सब लाने में लगे लगे उधर से आ गए हैं तो लाने लग के उधर पहुंचने पड़े। देखो इतने काफी देर से बैठ रहे थे मेन मंदिर देखो इतने कितनी भीड़ है देख सकते। तो बस यही है नजारा देखो हमको पीछे को नजारा है उतरा ये मंदिर के उतरा पीछे और दुकान लगी जाती है काफी और काफी भीड़ उतरा भी जाते हैं। तो बस हम तुम्हें आज ये दिखा सकता है कि आज शनिवार है तो बहुत ज्यादा भीड़ है हम उतना और अभी अकेले जो उतना भीड़ कम हुई है उतना मंदिर को अंदर को भी दिखाओ जो है चीज भीड़ को नजारा लाइन में एकदम पड़ गया है जो मालूम तो मैं डेढ़ दो घंटा घुमा दिया ना वो चक्कर से कहा कि वो डंडी सी फिर ऐसी एक में फैत रहा इधर में पड़ गया इधर और दो घंटा तीन घंटा पड़ो वही में दिमाग खराब हुआ। और जो शनिवार मंगल ना हुआ तो सीधे डायरेक्ट होते अपन डायरेक्ट सीधे जाओ डायरेक्ट को पचड़ जाओ डायरेक्ट पहुँच सका। शनिवार मंगल वैसे ना हुए शनिवार मंगल हाँ कहा चिल्लाने में हो जाना पड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता। देखो भैया आज शनिवार है सो आज जो गेट है ना जो थे जो बंद ही है बिल्कुल ऐसा उतरा भी हम दिखाओ थे काफ़ी चीज़ें तमाम किलाने आज शनिवार है तो इधर से जा भी किलाना सीधी रास्ता है और इतने से डायरेक्ट नहीं जा सका तो आज इतने से भी जाओ बंद है ऐसा उतरा की चीज़ें भी काफ़ी दिखा देते हम और उतरा की देखने हैं अगर तो फिर इलान में लगना पड़े और इलान में कम से कम जो मान लो दो घंटा लग जाने इतना लगा था उनको दरबार। तो आज मतलब हमने इतनी दिखाओ है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करियो और चैनल पर पहली बार वीडियो देखी तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बाकी जो हमको फुल डिटेल ब्लॉग बना भी हम जो ना शनिवार मंगल ना हुई है। तो ठीक है भैया मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक ना जय हिंद जय भारत।